एक्सेल चेरियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो है हम सब राजमा चावल जो है बहुत पसंद करते हैं, और राजमा चावल की जब भी कोई बात करता है तो हमें पीड़े वाले राजमा चावल जो है वो जहन में आते हैं। आपको बता दें कि जम्मू की सिटी में जीवल में जो है आपके लिए पीड़े वाला काउंटर खुल चुका है। सेम जायका जो है आपको यहाँ मिलेगा, सेम टेस्ट जो है आपको यहाँ मिलेगा। और जिस तरह से पीड़े की बात करें, हर किसी ने जो है पीड़े वाले राजमा चावल जब वो जम्मू से पटनीटा, बटोत या फिर श्रीनगर के जाता है तो उसने टेस्ट किए होते हैं, और वहाँ पर जो है अपनी गाड़ी की ब्रेक ज़रूर लगाते हैं। लेकिन अक्सर जो है हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, हम रोज़ाना वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन आप जम्मू में रहते हैं या फिर आप बाहर से आए तो आप जीवल में आ सकते हैं और यहाँ पर पीड़े वाले राजमा चावल का टेस्ट ले सकते हैं। वैसी ही क्वालिटी आपको मिलेगी, वैसा ही जायका आपको मिलेगा, वैसा ही टेस्ट जो है वो आपको मिलेगा। आइए आपको लिए चलते हैं जीवल में और दिखाते हैं कि किस तरह से जो है ये राजमा चावल जो है बनाते हैं, क्या इसमें खास है और किस तरह से जो है लोग इसका टेस्ट जो है वो ले रहे हैं। चलिए कुछ कस्टमर से जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के चावल और पीड़ा के चावल में क्या अंतर नज़र आता है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, और यहाँ पर जो है आप क्या खाने आए हैं? सर, मैं राजमा चावल खाने आया हूँ सर, जीवल में। ये अपोजिट पुलिस पोस्ट पड़ती है जो नोवाद की, उसके सामने इनकी शॉप है सर की। कम से कम भी सर हमको बहुत टाइम हो गया इनके पास खाते, दोपहर को उनके पास डेली हम आते हैं राजमा। जैसे कि राजमा चावल की ही विशेष बात करें तो नया काउंटर खुला है, पीड़े वाले राजमा चावल काउंटर खुला सर। बिल्कुल आपकी बात अच्छी है सर, पीड़े से भी अच्छा सर बनाते हैं ये, देसी घी डाल के, और इनकी चटनी भी नारदाने की सर हमें बहुत अच्छा लगता है सर। हम आते ही डेली रोटी खाने आते हैं दोपहर को सर। इस वक्त मेरे साथ महेंद्र कुमार जी हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से जो है ये जायका मेंटेन करते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जायका का फ्लेवर जो आप जम्मू में दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मैं राजमा चावल दिने हैं, और ये अच्छी क्वालिटी के राजमा जेडे असं बनाए दे होंदे ना, राजमा चावल देसी घ्यो पाई है, नाल नारदाने की चटनी होंदी है, ये लोग जेडे खांदे ना वो सारे इयै बोलदे ने कि तुहाडे राजमा चावल बड़े टेस्ट न, तो बनांदे रहने अस। और क्या क्या जो है यहाँ पर आप सर्व करते हैं राजमा चावल के अलावा? अलावा अस करने ना इधर नान है, अमृतसरी नान है, एक चुरचुर नान है, तो नाल परौंठे न, आलू पनीर वाले परौंठे न, छोले नाल सब्जी साड़ी जड़ी है सवेरे अलग होंगी है, शामी अलग होंगी है, दो तीन टाइम अस सब्जी बनानी अलग अलग। राजमा चावल जेडे पूरे दिन ही अस चलाते रहने जेडे देसी घ्यो वाले, ये चलता है साड़ा कम। और प्राइस की बात करें तो प्राइस कितना रखा है आपने? सर जो राजमा चावल ने कोई घ्यो पाई है 100 रुपये की प्लेट दिने अस, तो नान है जोड़ा अमृतसरी नान है 50 रुपये का है, छोले नान नाले चटनी होंगी है जा दही, आलू परांठा है वह भी कोई 50 रुपये का दिने। और एक प्लेट राजमा चावल से तसल्ली हो जाती है? हाँ हाँ सर, जोड़ा भी एक प्लेट खाता है तो सारे ही आखते कि राजमा चावल जो थोड़ी क्वान्टिटी यदि अच्छी है, पेट भरोई है वह फिट हो जाता पेट जी। आप देख सकते हैं कि काफ़ी कस्टमर्स जो हैं पसंद भी कर रहे हैं, और जिस तरह से पीड़े की बात करें, पीड़ा का पूरा टेस्ट जो है आपको यहाँ मिलेगा, पूरा जायका जो है यहाँ मिलेगा। और लोगों की बात करें और इनकी पर्टिकुलर बात करें, जो है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी जो है लोग इनकी मेहनत का पसंद कर रहे हैं, और राजमा चावल जो है बखूबी जो है इनका पसंद किया जाता है, जिसमें देसी घी जो है हम कह सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में डाला जाता है। कितना देसी घी जो है इस्तेमाल करते हैं? सर 2-3 किलो के जरा सा निकली है एक दिन का, तो चावल भी अच्छी क्वांटिटी से निकली दे, अच्छे निकलते हैं। तो जम्मू वासियों से कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें बोलना चाहते हैं कि नया काउंटर यहाँ खुला है, यहाँ विजिट करें? हाँ जी हाँ, अस सारे ये बोलना चाहते हैं कि साढ़े को आइए राजमा चावल चेक करो एक एक बार, अच्छे लगते हैं तो चलो असें दस्यो जी। अगर एक बार आप टेस्ट करेंगे तो आपका मन करेगा कि आप बार बार जो है यहाँ पर विजिट करें, और यहाँ पर जो है राजमा चावल लेने के लिए जो है आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता, जल्दी जो है आपको वो सर्व हो जाते हैं, और काफ़ी लोग जो है पसंद भी कर रहे हैं।
आपका नाम? जावेद अहमद खान। तो ये बताइए कि कैसे लगे आपको राजमा चावल? सबसे बढ़िया इस होटल में लग रहा है, सबसे बढ़िया। क्या खास लगता है राजमा चावल में? यहाँ पर जो भी खाएं टेस्ट आता है, बहुत अच्छा और सस्ता है। और जिस तरह से पीड़े वाले राजमा चावल आए, पीड़े में आपने ज़रूर टेस्ट किए होंगे, क्या लगता है सेम क्वालिटी है, सेम टेस्ट है? सेम, बहुत बढ़िया टेस्ट। तो दोस्तों, अगर आप पीड़े वाले राजमा चावल का टेस्ट जम्मू में लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल MAM स्टेडियम के ऑपोजिट जो है आपको ये काउंटर मिलेगा और यहाँ पर जो है आप टेस्टी राजमा चावल जो है टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं और पीड़े का आनंद जो है जम्मू में उठा सकते हैं। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।